varón concebido en el amor de mujer. A lo mejor mano se le pacto, a lo mejor carne ni cantante. A mí hablo, no me da batista lo que da. No me da batista, a mí no por carne batista. Batista, a mí para qué ahora. Batista se trata. भक्ति कहते हैं सेवा को. अगर धर्मग्रंथ पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, तो भक्ति के अनेक अर्थ मिलते हैं. भक्ति का एक अर्थ श्रद्धा और विश्वास मिलता है. अगर साधे में भक्ति सुख पढ़ेंगे तो भक्ति का श्रद्धा और विश्वास मिलता है, समर्पण मिलता है. अगर नानक भक्ति सुख पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति का अर्थ प्रेम मिलता है. भक्ति को अहित क्या, भक्ति को अहित की कहा गया. अहित की समझते हैं, हेतु बने कारण, अहितु बिना कारण का. ये संसार एक बाजार है, ये संसार एक व्यापार है, और ये संसार के व्यापार में हम दुकान में चले जाएंगे कुछ सामान खरीदने के लिए. हम दुकानदार को कुछ पैसा देंगे तो दुकानदार हमें सौदा देगा. अगर हम पैसा नहीं देंगे तो दुकानदार सौदा नहीं देगा. लेकिन परमात्मा के दरबार में, सदगुरु के दरबार में ऐसी बात नहीं है कि हम उनको कुछ देंगे तो हमें देंगे, वो अहिति देंगे. वह कारण करना बनना है, वे बिना मांगे ही देते हैं और इतना देते हैं कि हम ले नहीं सकते. भक्ति का अनुपम सुख बोला, मिले है जो संत को ही अनुकूला. भक्ति सुख की जड़ है. संत कबीर साहब भक्ति का प्रेम बतलाते हैं और कहते हैं, प्रेम बिना जो भक्ति है सोनी जितिन विचार, पुत्र भरण के कारण जन्म गवायो सारा. भक्ति प्रेम को कहते हैं. एक महात्मा जी थे, वो सत्संग कर रहे थे. कई महात्मा थे सत्संग कर रहे थे. एक माता जी आई और महात्मा जी को प्रणाम करके बोली, स्वामी जी हमारे घर में सत्संग कर दीजिए. महात्मा जी ने कहा, आपके पतिदेव घर पे है? माता जी बोली, हमारे पतिदेव फैक्ट्री गए हुए हैं, कारखाने में है. महात्मा जी ने कहा, जब वो आ जाएंगे तब मैं चलूंगा. कुछ देर के बाद उनके पतिदेव आ गए. पतिदेव से तो माता जी बोलती है, देखिए तो दो तीन महात्मा जी आए हुए हैं, हमारे मन में इच्छा हुई कि उनसे सत्संग करवा लो. तब उनसे प्रार्थना की कि महात्मा जी आप हमारे घर में चलिए, सत्संग कर दीजिए. तो उन्होंने कहा, आपके पतिदेव घर में है? मैं बोली, पतिदेव कारखाने में. बोले, वो आएंगे तब चलूंगा. चलिए ना, आप आ गए. पति ने कहा, हाँ सत्संग करा लो. सब गए. महात्मा जी से प्रार्थना किया कि हमारे पतिदेव आ गए हैं, सत्संग कर दीजिए. तो महात्मा जी ने कहा कि तीन महात्मा है, आपको किसको ले जाना है? तो उनके पतिदेव कहते हैं, विचार कर लेते हैं. तो अपने घर वाले लोगों पर विचार करने लगे. पतिदेव से घर पत्नी पूछती है, आप उनको लेकर ले जाएंगे? महात्मा जी ने कहा, हम तीन है, तीनों का नाम तीन है,
मुरक्याना में आता है, तो उन्होंने कहा एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम भक्ति है, आपको किनको ले जाना है? उनके पतिदेव ने कहा कि हमारा तो विचार है कि धन को बुला ले, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत घाटा लग गया है, बहुत नुकसान हो गया है, धन का भरपाई हो जाएगा। उनका बेटा ने कहा पिताजी हमारा तो विचार है सफलता को बुला लीजिए, क्योंकि सफलता आ जाएगा तो धन तो अपने आप आ जाएगा। उनकी बेटियां बोलती है मम्मी पापा हमारा तो विचार ये है कि प्रेम भक्ति को बुला लीजिए। माता पिता की बात जज गई, उन्होंने कहा प्रेम भक्ति ही चलिए। तो प्रेम भक्ति चलने लगे संसद करने के लिए, तो पीछे से धन भी चलने लगा और सफलता भी चलने लगा। तो माता जी बोलती है मैं एक को बुलाई और तीन जा रहे हैं। प्रेम भक्ति ने कहा मैं जहां भी रहता हूं वहां धन भी हमारे पीछे पीछे चलता है और सफलता भी पीछे पीछे चलता है, हम तीनों साथ में रहते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, रोज पाठ करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनो को जोड़े पल पल छोड़ में छोड़िए असुनिए गुरु। ये गुरु महाराज हमको प्रेम भक्ति का दान दीजिए, मानते हैं? सज्जनों सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बड़ी अंतर है। सगुण भक्त मांगते हैं और निर्गुण भक्त मांगते हैं, जो निर्गुणी भक्त होते नहीं मांगते। सगुण भक्त जो पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजक है, जिनकी आस्था मूर्ति में है, जो देशी भगवान को मानते हैं, सब देशी भगवान को नहीं मानते हैं, उनमें उनका विश्वास नहीं है। वो क्या कहते हैं, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तन का, उनकी मांग है। लेकिन हम लोग हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, अनुसारा परिवार अनु संपत्ति नहीं बाबा, ये गुरुदेव हमें धन अच्छा नहीं लेंगे, परिवार अच्छा नहीं लेंगे, इतना अंतर है। देखिए हम मंदिर में जाना जरूरत नहीं है, हम मंदिर में जाते हैं और भगवान से मांगते हैं। अगर मंदिर में जाएंगे भगवान से मांगेंगे तो भगवान से जो मांगेंगे भगवान हमें वो दे देंगे। लेकिन अगर हम सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में जाने के बाद क्या होगा, मांगने की इच्छा हमारे मन में नहीं रहेगी। तो मंदिर में जाकर भगवान से भीख मांगना अच्छा है कि सत्संग करके जीवन की कामनाओं को अंत कर देना अच्छा है? सो बताइए, सत्संग करके सभी कामनाओं का अंत हो जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण कृष्ण है, कृष्ण को मांगने से जीवन के सब दुख नष्ट हो जाए। सज्जनों जब तक हमारे मन में एक भी इच्छा रह जाएगी, एक भी कामना रह जाएगी, एक भी वासना रह जाएगी, तो हम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते, परमात्मा को नहीं जान पाएगा। इसलिए साधक की इच्छा बहुत कम होती है। संत कबीर साहब बड़े संतों से हैं, चाहते तो धन बहुत कमा सकते थे लेकिन धन कमाने की कामना नहीं थी। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जब आप संतोष धन सबधन धुनि समा, गोधन गजधन बाजी धन और अपन धन खान, जब आप संतोष धन सबधन धुनि समा, तो नवधा भक्ति सुन गए। हमारे कुरान शरीफ में अजय मोहम्मद साहब एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द है तौहीद। तौहीद
buscar todo el tesoro de la mano. Dúsra sabd hai mausrik. Mausrik ka arth hota hai bande wala. Hazrat Muhammad sahab kehte hain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi wasallam. Us Allah ke siwa dusra mabood maan liya dil mein. Hum log bahut din se tak mante hain aur aap chal rahe hain. Chal rahe hain. Maa Durga ki puja, ya devi sarvabhuteshu. Shakti rupene sasthita namastasya 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 namo namo yade devi sarvabhuteshu santha rupena vishwas rupena man rupena sasthita namastasya 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 namo namo 9 din tak devi ki upasna karta hai aur us shakti ko prapt karta hai बहुत बलवान राक्षस था. क्या नाम था? महिषासुर. सभी देवी देवता को पराजित कर लिया था. देवी देवता मानव दानव सब उससे आतंकित थे. इंद्र को खदेड़ दिया गया सब लोग. इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी महाराज के शरण में गया. सभी देवता मिल करके एक सभा हुई. उस सभा में सभी ने अपने शक्ति दिया. 9 दिन तक उपासना किया गया. तो 10वें दिन दुर्गा माता का प्रादुर्भाव हुआ और दुर्गा ने महिषासुर का क्या किया? चंगा. ये महिषासुर क्या है? क्या महिषासुर बन गया? भगवान श्री राम ने रावण का वध किया. रावण बन गया क्या? रावण का पुतला तो हनुमान से जलाते हैं. अब महिषासुर और माँ दुर्गा की मूर्ति भी बनाते हैं. तो महिषासुर हमारा मन है और रावण हमारा मन है. ये मरा नहीं है. संत महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु नानक कहते हैं, नौ दर भावे ताकत रहे दसवां निज घर भाषा पाए. जब तक नौ दरवाजे में लग रहेंगे आपको महिषासुर सताता रहेगा, आपको रावण कंस सताते रहेंगे और दसवां दरवाजा में चले जाइए. देखिए नौ दरवाजा बड़ा गंदा है. इसको मलिन द्वार भी कहा गया है. कन्न नव द्वारा वो राम अति मलिन हो पामा. गंदा मार्ग है, गंदा रास्ता. आंख से क्या निकलता? पीछी. कान से गुज्जू. नाक से लेटा पोटा. मुंह से दुख का. और नीचे जाइए पेशाब पेखाना करने का रास्ता है. कोई भी चीज बढ़िया इसमें है? सब गंदा चीज है. लेकिन दसवां दरवाजा में गुरु नानक देव जी कहते हैं, नवदर धावे ताकत रहाए दसवां निज घर भाषा पाए. अगर दसवां दरवाजे में चले जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? गुरु महाराज जी लिखते हैं, सुखमन की जीना लाल से. दसवां द्वार का एक नाम सुखमना भी है. उसको तिल भी कहते हैं, उसको नीलागिरी भी कहते हैं. अगर गोरमाल भी कहते हैं, बंक नाल में उग गए सूर और रोम रोम ध्वनि बाजे फूल. तो कहते हैं, सुखमय की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार भरी माता से चिरा कर रहे. तो सुखमय का जो झीना नाल है उसमें उससे अमृत निस्तरित हो रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है. अब मीन किसको कहा गया है? मीन जीवात्मा को कहा गया. मीन सूरत धार धरी भाटा सिरा. भाटा से सिरा बड़ा होगा पानी के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में. भाटा से सिरा चल रहे. दसवां द्वार में हम अपने आप को ले जाए. अभी नवरा भक्त में सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
माता सबरी की कुटिया पर आया। हमारे स्वामी जी महाराज सुना रहे थे सबरी की कुटिया पर भगवान राम क्यों चले गए, बहु साहब की कुटिया पर भगवान क्यों ले गए? आपने कभी विचार किया श्रम का अर्थ क्या होता है? श्रम का अर्थ होता है मुर्दा, मुर्दा में प्राण नहीं होता है। आप देखे होंगे मुर्दा पानी पर तैरता है और जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? एक समारोह में पूछा गया, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, मुर्दा पानी पर तैरता होता है, जिंदा आदमी पानी में क्यों डूब जाता है? कोई पत्ते नहीं बता सकता। एक बहुत अनपढ़ आदमी था, उन्होंने कहा मैं उत्तर दूंगा, बोला उत्तर दे दो बताओ। उन्होंने कहा जिंदा आदमी पाखंड होता है, छल होता है, अहंकार होता है, इससे जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, मुर्दा में पाखंड और अहंकार नहीं होता, इससे मुर्दा पानी पर तैर जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं भक्ति में दो बाधक है, पाखंड और अहंकार के लिए निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर वो अपनी सेव करनी चाहिए। पाखंड नहीं है, अहंकार नहीं है। अगर पाखंड और अहंकार रहेगा तो हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। देखिए भक्ति उपमा भाग से दिया गया, भाग भाग से क्यों मुलायम होता है, नरम होता है। भगवान का जो भक्त होता है, गुरु का जो भक्त होता है, भाग कितना कोमल होता है, मुलायम होता है। अब ऐसे जो भक्त भगवान के हैं, भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया पाला गया। सबरी की कुटिया पर भगवान राम और सबरी मैया ये मध्यम पुत्र तो भेजे नहीं थे। अब सदगुरु कैसे होते हैं, मतंग ऋषि कैसे सदगुरु थे जो कहा बेटी तुम इसी कुटिया पर आना, बड़ी सेवा की माता सबरी। भगवान से मतंग ऋषि की बड़ी सेवा की, सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो गए, गुरुदेव का शरीर छोड़ने का समय आ गया। गुरुदेव ने कहा कि अब मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं, अब संसार में रहने की आयु हमारी समाप्त हो गई। उनके शिष्य लोग रोने लगे, माता सबरी रोने लगी। सबरी पूछती है गुरुदेव आप हम लोग को छोड़कर जा रहे हैं, अब राम को कहां ढूंढोगे? गुरुदेव क्या तुम्हें आंसू आ गया? मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुम्हें राम को ढूंढने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, राम खुद ही जंगल से तुम्हारे पास दर्शन करने के लिए आएंगे। ऐसा है भगवान राम माता सबरी को कुटिया पर आया। अभी सुन रहे थे आप माता सबरी क्या कहती है, यही विधि स्तुति करो तुम्हारे अधम जाति में गणपति, ये प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं अति मंद बुद्धि वाली हूं, जड़ बुद्धि वाली हूं और अधमों से अधम नारी हूं, अधमों में जो अधम होती है ऐसी नारी हूं। भगवान राम ने कहा कह रघुपति सुन भामिनी माता, अभी भामिनी का अर्थ सुन रहे हैं, भामिनी का अर्थ सुंदरी होता है। भामिनी का अर्थ होता है क्रोध करने वाली नारी, लेकिन माता सबने क्रोध करने वाली नारी नहीं है, भामिनी कह दिया। क्या देखा भगवान ने, हार चावड़े देखा, सुंदर हार चावड़े होता है, सुंदर शक्ति का गुण होता है,
उसका स्वभाव होता है, उसका सील होता है। भगवान राम ने उसके अंदर सील देखा, उनकी सद्बुद्धि को देखा और कह दिया भामिनी, कह रघुपति सुनो भामिनी माता, मानो एक भक्ति का नाता, ये सबरी मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं, जाति पाति का नाता मैं नहीं मानता। अच्छा भगवान राम भी अगर जाति पाति का नाता मानते होते तो क्या भगवान राम कुल भीलों के साथ बैठ करके भोजन करते थे? नहीं करते। इसका मतलब है भगवान राम ने जाति पाति का नाता नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण भी अगर जाति पाति का नाता मानते तो मनोसखा का जूठा माखन खाते भगवान, वाल वाले का जूठा माखन खाते, जिसको देखकर के ब्रह्मा जी महाराज मोहित हो गए थे, ये कैसा भगवान है, ये जूठा खाने वाला भगवान, जूठा खाने वाला कोई भगवान होता है? और गाय चुरा लिया। लेकिन भगवान भी कैसे थे, सारे गलियों को हूं बहू बना लिए भगवान कृष्ण ने अपने योग बन से। ब्रह्मा जी का अलका चुर हुआ, इंद्र का अलका चुर हुआ, भगवान श्री कृष्ण हमारे संत महात्मा हरि को भजे सो हरि का पाना। भगवान देखिए तीन सम्मानित भक्त है, भगवान हमारा और दूसरा भगवान होता है। भक्त भक्ति करता है और भक्ति करके भगवंत को प्राप्त कर लेता है। भगवान को भक्त बहुत प्यारा है। भगवान को भक्त बड़ा प्यारा है। आप जरा सा धर्मशास्त्रों पर विचार करें। गजेंद्र ब्राह्मण युद्ध हुआ था, गजेंद्र खाती था, भागवत पुराण में पढ़ेंगे तो गजेंद्र एक कैरावत हाथी था और जब उसको प्यास लगी तो गर्मी के दिन में सरोवर में पानी पीने के लिए गया और उसको जल ठंडा करने लगा, उसमें मगरमच्छ रहता था, विशाल मगरमच्छ था, आती हथनियों के साथ जल किलोल किया, जल क्रीड़ा किया और पूरा समुद्र के सरोवर के जल को दूषित कर दिया। ग्राहक को बहुत गुस्सा आया कि देखो हमारे जल को दूषित कर दिया, गुस्सा में पकड़ा टांग पकड़ लिया। अब टांग में पकड़ लिया तो आप जानते हैं मगरमच्छ पानी का राजा और हाथी भी कोई कम नहीं है। अब वो पकड़ के खींचे अपने तरफ, अब हाथी अपनी तरफ खींचे, मगरमच्छ खींचे तो ले जाए सरोवर, हाथी खींचे तो किनारे में ले जाए। इस तरह से बहुत दिनों तक दूध चला। इसी जन्म में वो भगवान विष्णु की उपासना किया है। संत महात्मा कहते हैं भक्ति का बीज दश कई होता है। अगर इस जन्म में आपने भक्ति किया, भगवान की पूजा अर्चना किया तो बेकार नहीं जाएगा, वो दूसरे जन्म में फिर आपको प्राप्त हो जाएगा, भक्ति मिलेगी आपको। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, ग्रह गज को कर लिए बस में प्रभु तेरे सुने थे जल में, प्रभु पल में भय प्रगट रे, प्रभु पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाए विकट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे, मन गुरु नाम जप रे, तेरे संकट जाए निकट। भगवान आए
भगवान को याद किया, नमः कुमलनाभाय, नमस्ते जलसाय में, नमस्ते केशवानंदाय, वासुदेवाय नमस्तुते। कहते हैं नमः कुमलनाभाय, कमल के नाभि से जिसकी उत्पत्ति हुई है। नमस्ते जलसाय में, जल भी जो सहन करने वाले भगवान विष्णु थे। नमस्ते केशवानंद, केशव कहा गया है भगवान विष्णु को। वासुदेव आये नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपने हमारे प्राणों को बचाया है, आपने मेरा उद्धार किया है। लेकिन प्रभु भगवान विष्णु जब आए हैं आत्म सुदर्शन चक्र है, तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। भगवान जब देखा हाथी के पेड़ को निगल गया है, खून की धारा बढ़ रही है, हाथी बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, गिरा हुआ है, और उसको रोई रोई से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, भगवान प्रतिभूत हो गए। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और जो ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा का मुंह फट गया, हाथी का पैर बाहर निकल गया। मगरमच्छ जो है मर गया, उधार हो गया। तो गजेंद्र भगवान से शिकायत करता है, प्रभु आपसे हमारी शिकायत है। बोला क्या शिकायत है? बोलो। बोला प्रभु मैंने अपना उद्धार के लिए आपको बुलाया था, और आपने पहले मेरा उद्धार नहीं किया, पहले मगरमच्छ का उद्धार क्यों कर दिया? भगवान विष्णु कहते हैं मेरे भक्त सुनो, मैं तुमको कितना समझाऊं, जो हमारा भक्त का चरण पकड़ लेता है ना, मैं उसको उद्धार पहले करता हूं। मैं भक्तों के भक्तों का दास हूं, तू हमारा भक्त है। भगवान विष्णु कह रहे हैं हे गजेंद्र, तू हमारा भक्त है, अब तुम्हारा चरण किसे पकड़ लिया? मगरमच्छ ने। तो मगरमच्छ का उद्धार मैंने पहले कर दिया, अब तुम्हारा उद्धार करूंगा। अनेकों घटनाएं, भक्त प्रहलाद को अपना आपत्ति आई तो भगवान आए। यदि ना कुछ जुन मुक्त माया, प्रहलाद जी को बहुत सताया।